नीचे जो रहा मेला हो गया ठेला बहुत तेज बारिश आ गई। निमिया की डाढ़ मैया नहावेली झूल हवा हो कि झूले झूले ना। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, आज है दुर्गा अष्टमी और आज हम जा रहे हैं पूरा अपने गाजीपुर का पंडाल घूमने, जहाँ जहाँ मतलब कि दुर्गा जी का प्रतिमा रखा जाता है अच्छा अच्छा और सबसे बेस्ट बेस्ट देखते हैं और कहाँ का कैसा रहता है सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने में कि दुर्गा पूजा का पूरा नज़ारा मतलब गाजीपुर के सारे पंडाल का नज़ारा कैसे होते हैं, कौन पंडाल कैसे कितने बेस्ट हैं कितने ऐसे वैसे बेस्ट तो सभी रहते हैं क्योंकि भाई माँ की जो प्रतिमा रहती है। तो आज हम पूरा दुर्गा पूजा घूमने वाले हैं। चलिए दोस्तों छोटे से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप बने रहिए ब्लॉग में। जय माता दी। तो ये है दोस्तों हमारे गांव छावलेन का पंडाल और दुर्गा पूजा देख सकते हैं आप लोग। ये है दोस्तों दुर्गा पूजा पंडाल भुतैया ताड़ का, प्रकाश नगर भी इसको बोलते हैं, जो कि शेर का मुंह बनाया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ नज़दीक से। तो ये है दोस्तों बंसी बाजार का दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि तिरंगा बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये है दोस्तों चुंगी का नज़ारा, ये चुंगी की दुर्गा पूजा पंडाल है और माँ की प्रतिमा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बड़ी बात चुंगी दोस्तों सकलेनाबाद की सजावट, सकलेनाबाद दुर्गा पूजा पंडाल, दुर्गा चौक के पंडाल, अभी पंडाल सामने देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मैं लेके चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों सकलेनाबाद का पंडाल, आप लोग देख सकते हैं सकलेनाबाद गाजीपुर का दुर्गा चौक के पास। तो अभी दोस्तों आ गए सनी भाई के यहाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप लोग भाई सनी आर्य और आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा इस बार दो सालों बाद अच्छे से मनाई जा रही है, ऐसे मनाई जा रही थी लेकिन अच्छे से मनाई जा रही है दुर्गा, दो सालों के बाद बड़े बड़े पंडाल नहीं बन रहे थे दो सालों से, लेकिन इस बार और अच्छे अच्छे पंडाल बने हैं। हम लोग अपने पूरे गाजीपुर का पंडाल आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अभी और आगे चलते हैं और पूरा पंडाल घुमाते हैं। तो ये है रौजा पे खोबंडी का मूर्ति हमारे यहाँ का, हम लोग अभी मिश्र बाजार में एंट्री कर रहे हैं, प्रदीप भाई गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। हेलो, इधर देखो जाम लगा हुआ है, प्रदीप भाई सारे दुर्गा पूजा घूम रहे हैं। इधर नीरज है, तो हम लोग गाड़ी से दुर्गा पूजा घूमने इसलिए आए कि यार पैदल मज़ा नहीं आता है, मज़ा आता है बाकी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और टाइम जहाँ एक घंटा लगना चाहिए दो अढ़ाई घंटा लग जाता है, तो अभी जाम है देख सकते हो। चलो अंदर चलते हैं तो मिलाते हैं माता रानी से। मिश्र बाजार का ऐसा कुछ नज़ारा, अब अंदर हम लोग जा रहे हैं घुसने, जाम तो इतना लगा है कि पूछ नहीं सकते हो आप लोग। दोस्तों नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सजाया है, दो साल के बाद मेला देखने को मिल रहा है हम लोग को। और तिरंगा है पंडाल पे। हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात जो पंडाल के ऊपर तिरंगा लगाया गया है दोस्तों, सजावट देख सकते हैं यहाँ मूर्ति के जुम्मे दिखा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है और दो साल बाद मेला लगा हुआ है, इसीलिए देख माता रानी का ध्यान। अरे यहाँ से देखो हनुमान
दरवाजा की मंदिर और ये है पंडाल। तो हम लोग चीतनाथ पहुंच चुके हैं, छलका इनार और ये चीतनाथ घाट, और यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है बहुत प्यारा। और ये देखो ऊपर से ऐसा कुछ नज़ारा है और भीड़ काफी ज्यादा है। तो एक और पंडाल का नजारा कुछ ऐसा। तो ये है दोस्तों झंडा तर का मूर्ति और पंडाल। दोस्तों अब यहाँ पे भी हम लोग चल रहे हैं, अनेकों मूर्ति मिलेंगे हमारे गाजीपुर में। टेढ़ी बाजार हाँ टेढ़ी बाजार का ही है नारायण। अरे 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 देखो यहाँ पे स्कूटी लेकर पलट गए अंकल। ये देखो प्रदीप की दीदी और जीजा है। बहुत तेज हो रहा है, मेला हो गया ठेला। बहुत तेज मारे जा रहे हैं है। ए इधर देखो, ए देखो कैसा लग रहा है, इधर बताओ, इधर इसमें देखो कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है। ये हमारा शेर हीरो। अभी दोस्तों हिला खींचा के बाद फिर चले आए। सोने के खाटोलवा हो की बूंदे कना बलका सुतावली मालिन सोने के खाटोलवा हो की बूंदे कना हो की बूंदे कना। फाटा का बहुत अच्छा सजावट था पर बारिश के कारण बंद है, देख रहे हो सारा लाइट बंद है बारिश के कारण। अंदर का थोड़ा बड़ा जर रहा है, वो भी क्या ना झालर जर रहा है, बर रहा है, जर रहा है, सब एक ही हुआ ना। का वो बना हुआ है तिरंगा आर्मी वाला है पूरा। सकते हैं यहाँ पे भारत माता पूरा वही बनाता है। चला जाए अंदर वाला, चलो चलो अंदर चलोगे, चलो तब चला जाए आजादी का अमृत महोत्सव। जैसे जैसे मालिन तू हमके जुड़ा बबलू हो कि वैसे वैसे ना हो कि वैसे वैसे ना तो हर बाल का जुड़ा। तो ये है रोही मंडी, रोही मंडी बगलपुरा का पंडाल। ये पंडाल अच्छा बना है, इधर आगे थोड़ा सा प्लास्टिक डाल दिया गया मगर ये है। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर है, ये ऊपर शेषनाग और पूरा पहाड़ टाइप है और ऊपर शिवलिंग।
और ये प्लास्टिक से थोड़ा ढक दिया गया है तो ये भी और सुंदर लगता है। ये हाथी का सूंड है, देखिए हाथी के मुंह में से घुस के जाना है। ये हाथी का मुंह है पूरा, उसमें घुस के जाना है और ऊपर से स्नान। तो ये है दोस्तों नवाबगंज का सजावट और पंडाल, अभी दर्शन कराते हैं माता जी के। दोस्तों सारा जगह बंद है, देख रहे हो लाइट, दोस्तों लाइट बारिश का लाइट बंद है हर जगह, तो अंधेरा काम थोड़ा सा खूबसूरती कम हो गई है पंडालों की, लेकिन माता की खूबसूरती उसी तरह है। माता तो माता होती हैं यार, इधर भी लगता है। इधर चलो नहीं, इधर नहीं जाएंगे अभी, इधर चलेंगे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमेशा टॉप रहता है इस बार, बट जो भी अभी अभी भी अच्छा है लेकिन लाइट नहीं है। अरे नहीं जी, देख रही है, देखो दोस्तों जुम करके दिखा रहा हूँ माता को। पैदल जाए लगना भैया ना हो, यहीं पर मूर्ति विसर्जन होती है। स्टीमर घाट दोस्तों आ चुके हम लोग और यहाँ की मूर्ति बहुत अच्छा होती है, हर साल इस बार भी अच्छी है। आज भी देख सकते हैं बहुत प्यारा मूर्ति है, माता जी लेटी हुई। इधर से ले लीजिए इधर, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा मतलब मूर्ति है। आ चुके हैं ददरी घाट, पूरा लीजिए पूरा पूरा ले। दोस्तों बहुत प्यारा समय आ गया है और ये हम लोग का ददरी घाट, यहाँ पर हम लोग सबसे लंबी सजावट यही होती है, सबसे लंबी सजावट यही होती है दोस्तों हर साल। और इस बार भी देखिए पूरा लंबा सजावट है, देखिए बहुत दूरी तक है। मालिनिया हो की बूंद एक ना, सुतल बाणु की जागल है मालिनिया हो की बूंद एक ना, हो की बूंद एक ना, हमके पानिया पिया दा। हम लोग आ चुके हैं महुआ बागवा की, यहाँ का अभी लाइट बंद है, देख सकते हैं आप लोग बरसात बारिश की वजह से बड़ी बड़ी लाइटें बंद है, नॉर्मली सजावट ऑन है, सब मजा किरकिरा हो गया है। दोस्तों महुआ बाग का गुलम्बर है ये, इधर देखो शंकर जी दिख रहे हैं। लाइट से शंकर जी बनाया गया है, इसमें सही है बल्कि दिख रहा है ना, बंद कर दो। ये दोस्तों महुआ का बाग का पंडाल ऊपर गणेश जी, ये पूरा बस लाइट से है, यहाँ की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही है, सजावट भी अंदर की सुंदर है। ये देखिए शेर आ गया माता जी का, अभी माता जी भी आएंगी। वाओ तो अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लंका मैदान में, अरे दिखाए सजावट आपको, ये देखिए अभी बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको, अभी इसमें एंट्री करते फिर दिखाते हैं आपको। मालिन बूंद एक ना,
हमके पानिया पिया दहो। अब तक का सबसे सुंदर पंडाल दोस्तों हमको यहीं लगा। बलका सुतवली मालिन सोने के खाटोलवा हो की बूंदे कना बलका सुतव। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा चल रहे हैं मेला देखने, और इधर रामलीला हो रहा है लंका मैदान में, और रामलीला देखेंगे बहुत मजा है। ये पहली बार हम देखे इसमें रामलीला, थोड़ा सा देखे चलिए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का रामलीला थोड़ा सा। सुग्रीव राजमहल में आकर प्रभु के कार्य को भूल गया। छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, माता जी का दर्शन पसंद आएगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो को अचानक से सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आगे वाली वीडियो में आपको दशहरा के मेले का वीडियो दिखाऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।